दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फायर इन द स्काई फिल्म को, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें 6 मजदूरों को दिखाया जाता है जो कि जंगल में जाकर लकड़ियों को काटकर उन्हें बाजार में बेचा करते थे। सुबह का वक्त होता है और दिन होता है 5 नवंबर 1975। खैर अब ये 6 के 6 फ्रेंड जंगल में जाकर लकड़ियां काटना शुरू कर देते हैं। खैर अब दिन भर लकड़ियां काट लेने के बाद शाम के वक्त ये अपने घर वापस आने लगते हैं और घर आते वक्त जंगल के रास्ते में इन्हें रात हो जाती है। खैर जब ये सभी फ्रेंड अपनी कार में आ रहे थे तब इन्हें जंगल के बीचों बीच एक आग दिखाई देती है। अब ये देखकर इन 6 दोस्तों को भी लगता है कि शायद वहाँ पर आग लग गई है। अब इनमें से इनका एक दोस्त कहता है कि क्यों ना दोस्तों, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए, क्या पता वहाँ पर कोई प्लेन क्रैश हुआ हो या जंगल में आग लग गई हो। इसलिए ये 6 के 6 दोस्त वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर ये लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई आग लगी ही नहीं थी बल्कि आसमान में से एक अजीब लाल रोशनी आ रही थी, जिसको देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि हर ग्रुप में एक बहादुर बंदा होता है और इस ग्रुप का वो बहादुर इंसान था ट्रेविस, और इसीलिए ट्रेविस अपनी गाड़ी से उतरकर वहां देखने के लिए जाता है। हालांकि उसके सभी दोस्त उसे ऐसा ना करने के लिए कहते हैं, वो सभी उसे रोकते हैं, लेकिन ट्रेविस उनसे कहता है कि तुम डरपोक लोग वहीं पर रहो, मैं चेक करता हूं। उसके दोस्त उसे रोकते रहते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। वो आसमान की तरफ देखता है तभी उसके पास एक सफेद रोशनी आती है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है। ये देखकर उसके सभी दोस्तों की हालत खराब हो जाती है। इन लोगों को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्या हुआ, इसलिए ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो उनका एक दोस्त रोजर कहता है कि हमें ट्रेविस को इस तरह से छोड़कर नहीं आना चाहिए था, लेकिन सभी दोस्त कहते हैं कि हमने उसे बुलाया था लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी और हो सकता है कि अगर हम उसे बचाते तो हम भी मारे जाते, हमने सिर्फ अपनी जान बचाई है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन फिर भी रोजर कहता है कि हमें कम से कम एक बार जाकर तो ट्रेविस को देखना ही होगा, हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो। ये बात सुनकर उसके सभी दोस्त कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेले जाओ और हमें यहीं पर अपनी कार से उतार दो। इसके बाद वो उन सभी को रास्ते में उतार कर रोजर के पास वापस चला जाता है। खैर जब वो वापस उसी जगह पर पहुंचता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। अब इसके बाद बाकी के बचे दोस्त शहर के एक होटल में जाते हैं। अब क्योंकि ये लोग काफी घबराए हुए थे इसलिए ये वहां के टेलीफोन से पुलिस को फोन करते हैं और इसलिए थोड़ी ही देर के बाद वहां पर 2 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। ये दोनों उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, जिस पर ये सभी दोस्त बताते हैं कि जब ट्रेविस बाहर निकला तो हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की और तभी आसमान से एक रोशनी आई और उसे अपने साथ ले गई। ऑफिसर वाल्टर उनकी बात सुनकर कहता है कि तुमने कहानी तो वाकई में अच्छी बनाई है लेकिन मैं तुम्हारी इस कहानी में नहीं फंसने वाला। ये सभी बोलते हैं कि ऑफिसर हम सच बोल रहे हैं, लेकिन वो इनकी बात नहीं सुनता और इनसे पूछता है कि बताओ तुम पांचों की ट्रेविस से कोई पर्सनल दुश्मनी थी। ये बात सुनकर उनमें से उनका एक दोस्त कहता है कि हाँ सर, ट्रेविस की दुश्मनी डेलिस के साथ थी, डेलिस उन्हीं के ग्रुप का एक साथी था। दरअसल ट्रेविस उसकी बहन को लाइक किया करता था जिस वजह से डेलिस ट्रेविस को पसंद नहीं किया करता था, और साथ ही डेलिस का कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था क्योंकि ये काम करने से पहले वो एक गुंडा था। इसलिए ऑफिसर वाल्टर का पूरा शक उसके ऊपर चला जाता है, उसे लगता है कि शायद इसी ने ट्रेविस को मारा होगा। इसके बाद वो इन सभी से कहता है कि देखो चुपचाप बता दो तुम में से किसने ट्रेविस को मारा है, अगर सच बताओगे तो सजा उसे ही मिलेगी जिसने ऐसा किया है और बाकियों को मैं छोड़ दूंगा। उसकी ये बात सुनकर ये सभी लोग कहते हैं कि अरे सर उसको किसी ने नहीं मारा है बल्कि उसे एक सफेद रोशनी अपने साथ ले गई, लेकिन ऑफिसर इनकी बात नहीं मानता। खैर अब इसके बाद हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे पुलिस ऑफिसर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ से ट्रेविस गायब हुआ था। वो लोग उसकी यहाँ पर तलाश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता कि तभी वहाँ पर ट्रेविस का बड़ा भाई आता है और डेलिस से कहता है कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डेलिस कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन उसका बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं था। खैर अब यहाँ पर कुछ भी ना मिलने पर वो ऑफिसर कहता है कि तुम लोग कुछ तो छिपा रहे हो। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा ऑफिसर आता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोग सच बोल रहे हो तो तुम्हें लाइट डिटेक्टर टेस्ट देना होगा, 2 दिन के बाद तुम्हारा लाइट डिटेक्टर टेस्ट होगा और तब तक तुम आराम कर सकते हो। इसके बाद हमें शहर की हालत दिखाई जाती है जहाँ पर कि हर कोई यही सोच रहा था कि रोजर ने ट्रेविस को मार दिया। पहले तो इस कहानी पर किसी को भी विश्वास नहीं होता लेकिन जब ये कहानी और ज्यादा फैलती है तो वहाँ पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं और इन लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये कहानी पूरे अमेरिका में फैल जाती है। खैर अब वो दिन आ जाता है जब इनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट होना था। इन 5 लोगों को बुलाया जाता है और इनका लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है और यहाँ पर बड़ी ही हैरानी की बात होती है कि ये 5 दोस्त लाइट डिटेक्टर टेस्ट में पास हो जाते हैं। ये देखकर वो दोनों ऑफिसर भी हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें भी लगने लगता है कि शायद ये लोग सच बोल रहे हैं। इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में और भी ज्यादा फैल जाती है। खैर अब इसके बाद इन 5 के 5 को छोड़ दिया जाता है लेकिन पुलिस वाला साथी ये भी कहता है कि मैं तुम सबको छोड़ दे रहा हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बेगुनाह हो और जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं
बाजू में आना होगा। ये बात सुनकर ये पांचों दोस्त परेशान हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने सच्चा होने के हर सबूत दिए लेकिन पुलिस मानने को तैयार ही नहीं थी और ये बात वैसे अच्छी भी नहीं थी। अब ऐसे ही होते होते दोस्तों 5 दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन रोजर अपने रूम में बैठा होता है तभी उसके फोन पर एक रॉन्ग नंबर आता है। उसकी वाइफ कहती है कि रोजर कोई हमें बार बार फोन कर रहा है, शायद कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। ये बात सुनकर रोजर कहता है कि लाओ मैं बात करता हूँ और जब वो फोन उठाता है तो फोन की दूसरी तरफ वोल्टर था यानी कि ट्रेविस वोल्टर और वो कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। अब इसके बाद ये सभी लोग उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि हैवर गैस स्टेशन था। यहाँ पर ट्रेविस वोल्टर उन्हें मिल जाता है जो कि नंगा था और ये बहुत प्यासा था। सबसे पहले ये लोग उसे एक छत के नीचे ले जाकर उसे पानी पिलाते हैं कि तभी वहाँ पर एक न्यूफोलॉजिस्ट आ जाता है और वो जबरदस्ती उससे सवाल पूछने लगता है कि तभी ट्रेविस का बड़ा भाई वहाँ आकर उसे धक्के मारकर भगा देता है। इसके बाद ये सभी लोग उसे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। अब उन दोनों ऑफिसर्स को भी लगने लगा था कि जो वो लोग बोल रहे थे शायद वो सच था। वहीं ट्रेविस को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से सदमे में था और इसीलिए हॉस्पिटल वाले उसे इमरजेंसी में भर्ती कर देते हैं। करीब 2-3 घंटे के लगातार इलाज के बाद अब ट्रेविस थोड़ा नॉर्मल हो जाता है इसीलिए उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर रोजर उससे मिलने के लिए आता है क्योंकि रोजर ट्रेविस का बेस्ट फ्रेंड था और वो उसे बताता है कि दोस्त मैं अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर वापस तुम्हें वहाँ बचाने के लिए आया था। वोल्टर कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, साले तुम सब मतलब ही हो, तुम सब मुझे छोड़कर चले गए थे। ये बात सुनकर रोजर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अच्छा हम मतलब ही है, नहीं बल्कि साले तू पागल है क्योंकि हमने तुझसे उस दिन भी मना किया था कि तू कार से बाहर मत जा लेकिन तू फिर भी गया और तेरी ही वजह से पुलिस वालों ने हमारी बुरी तरह से मार रखी है और इसमें सारी गलती तेरी है। तभी वहाँ पर अस्पताल की एक नर्स आ जाती है। वो कहती है कि सर आप मरीज से इतनी तेजी से बात नहीं कर सकते, प्लीज आप यहाँ से बाहर चले जाइए और शांति बनाए रखें। इसलिए रोजर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। खैर अब थोड़े दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि बोल्टर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और उसके घर वाले उसके लिए वेलकम होम पार्टी रखते हैं जहाँ पर की बोल्टर के सभी दोस्त आए हुए थे। वो सभी यहाँ पर बहुत मजा कर रहे थे और यहाँ पर खूब खाते पीते हैं। तभी बोल्टर अपनी खिड़की से पर्दा हटाता है और आसमान की तरफ देखता है। जैसे ही वो सफेद आसमान को देखता है उसे दिमागी दौरा पड़ जाता है और वो एक टेबल के नीचे जाकर छिप जाता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जब जंगल में वोल्टर को उस लाइट ने खींच लिया था तब वो एक अलग तरह के कमरे में चला गया था जहाँ पर की उसकी आंखें एक अंडे के अंदर खुलती है। खैर अब इसके बाद वो उस झिल्ली को फाड़ कर बाहर निकलता है तो वो पाता है कि वो 0 ग्रेविटी में होता है और उसके आस पास उसी के जैसे बहुत सारे अंडे होते हैं। इसके बाद जब वो अपने पास वाले एक और अंडे को फाड़ कर देखता है तो उसमें एक इंसान होता है जिसकी बॉडी पूरी तरह से गल चुकी थी, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। अब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तभी उसे वहाँ पर एक स्पेस सूट मिलता है जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। और अब जैसे ही वो उसे उठाने वाला होता है कि पीछे से 2 एलियंस आ जाते हैं। वो आकर उसके पैरों को पकड़ लेते हैं और उसे खींच कर घसीटते हुए ले जाते हैं। वो उसे एक लैब में ले जाते हैं जहाँ पर वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले वो उसे एक ऐसी लेयर से ढक देते हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं थी। इसके बाद उसके मुंह के अंदर एक जेली डालते हैं जो कि काफी अजीब थी। वो उसके कान नाक और आंख के अंदर एक सुई लगा देते हैं और इसके बाद वो उसके साथ खौफनाक तरह से एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। वो एक लेजर बीम चालू करते हैं जो कि वो उसके आंख के अंदर डालकर उसकी आंख निकालने वाले थे। जैसे ही वो लेजर बीम उसकी आंख के अंदर जाने वाली थी कि उसकी आंखें खुल जाती हैं और तभी वोल्टर हड़बड़ाकर उठता है यानी कि वो सपने में था। जहाँ पर उसके फैमिली वाले अगर उसे समझाते हैं कि बेटा कुछ नहीं हुआ सब ठीक है। खैर अब दिन धीरे धीरे ऐसे ही बीतते जाते हैं और वोल्टर रिकवर हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उससे वही 2 पुलिस ऑफिसर मिलने के लिए आते हैं। वो उसका इंटरव्यू लेते हैं और उससे पूछते हैं कि सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वोल्टर उन्हें सारी बातें सच बता देता है जो उसके साथ हुआ था। खैर अब वो दोनों ऑफिसर उसका इंटरव्यू लेने के बाद ऑफिसर डेविस के पास जाते हैं। डेविस उनसे पूछता है कि क्या लगता है क्या ये सच बोल रहा है। वोल्टर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये सारी बातें झूठ हैं, ये सब के सब मिले हुए हैं और नाटक कर रहे हैं। तुमने नहीं देखा जब से इस बंदे का अपहरण हुआ है ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया है, हो सकता है शायद इनका कोई सेलिब्रिटी स्टंट हो और जो भी इन्होंने किया वो सब झूठ हो। जिस पर डेविस कहता है कि नहीं इतना सब भी झूठ नहीं बोल सकते ये लोग। अब इसके बाद ऑफिसर वोल्टर भी वहां से चला जाता है क्योंकि अब ये केस बंद हो गया था और वोल्टर का भी वहां से ट्रांसफर हो गया था। इसके बाद ये केस यहां पर क्लोज हो जाता है और हमें 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां पर ट्रेविस वोल्टर अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। इसके बाद वो अपनी एक कार लेकर अपने दोस्त रोजर से मिलने के लिए जाता है, रोजर जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड था। वोल्टर रोजर के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और इसीलिए रोजर भी अपने बेस्ट फ्रेंड को माफ कर देता है और फिर से ये लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वोल्टर की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो चुकी थी जो कि डेलिस की बहन होती है और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब क्योंकि दोस्तों ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी इसलिए 1993 में वोल्टर रोजर और डेविस का लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया गया था
जो कि नासा ने किया था, जहां पर कि ये तीनों के तीनों पास हो जाते हैं और ये खबर भी पक्की हो जाती है कि इन लोगों ने जो भी बताया था वो सच था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।